हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शादी और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हम लोग निकल गए हैं, रात की शादी है और अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और अब हम लोग होटल से निकल गए हैं। हम लोग बसेस में और सब अपनी अपनी कार से ट्रैवल करेंगे। ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिस्टेंस है जहाँ पर शादी है, तो हम सब लोग जा रहे हैं, होटल से निकल रहे हैं। पैकिंग वापस सबने दोबारा कर ली है, अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। तो निकलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में सीधा शादी में जाकर। क्या कहा है, क्या ढूंढ रहे हो? बचाता हूँ। हम शादी में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, मैं मार्केट होटल से निकल रहे थे, मार्केट की तरफ जा रहे थे। मुझे मार्केट में पहले थोड़ा सा काम था और यहाँ गर्मी बहुत थी यार। फटाफट से हम पहुँचे घर पर, जहाँ पर जुझार सबसे पहले जाते ही इसने घोड़ी को पकड़ा और उस पर जाके बैठ गया। ऐसे लग रहे थे जैसे दूल्हे से ज़्यादा ये इंटरेस्टेड है। सामने से दूल्हे राजा भी चलते हुए आ गए थे बैठने के लिए। अभी नॉर्मल कपड़ों में ही थे क्योंकि बारात बहुत दूर जानी थी, तो ट्रैवलिंग में भी टाइम है, तो मैं नॉर्मल कुर्ते पजामे में घोड़ी पर बैठ के सिर्फ मंदिर में मत्था टेकने तक गए। निकलने से पहले सारी बहनों ने घोड़ी को चने की दाल खिलाई, ऐसे घोड़ी को थोड़ी सी एनर्जी आई ताकि वो वजन भार संभाल सके। फटाफट से सारे रिचुअल्स पूरे हुए। मुझे तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, उसके पास जाने से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे सब कैसे मजे से पिक्स क्लिक करा रहे हैं। कौन कौन आया है? प्रेजेंट ही लगाओ बड़ी। देख पूरा के देख ले पीछे। और एक और प्रिंसिपल आई ने आके बैठी है। प्रिंसिपल हाय करो सारे। हाय इमरान भाई, किधर जा रहे हो सब? किधर जा रहे हो? बहुत अच्छे व्यू क्रॉस करते हुए हम निकले और वहाँ की बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ इवनिंग में बहुत अच्छा बहुत प्लेजेंट वेदर हो जाता है, इसमें बहुत मजा। हम सब होटल पहुंच गए थे इवनिंग में, हम सबको थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी तो रिफ्रेशमेंट थी वहाँ पे। इवनिंग ब्रेकफास्ट था तो सबने फटाफट से। दीदी कैसे है वो समोसा? सब लोग रेडी होने चले गए थे और हमारी यहाँ नौटंकी अभी खत्म नहीं हो रही थी। हम लोगों ने रेडी होने में इतना टाइम लगा दिया कि बारात रेडी होके वेन्यू पे भी पहुंच गई थी और हम लोग लेट। लतीफ और दूल्हा जो ग्रूम था वो अंदर भी आ चुका था।
फिर ये लड़का और लड़की वरमाला के लिए खड़े हो गए, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे अभी तो। सबसे पहले मैंने जुझार को थोड़ा सा उसका फेवरेट नूडल्स और फ्राइड राइस खिलाए। बहुत आराम से खिलाना पड़ा क्योंकि उसने गले में ऑलरेडी गोलगप्पा फंसा लिया था और हम सबका मूड बहुत गंदा वाला स्पॉइल हो गया था। इस लड़के ने पूरी वेडिंग शूज उतार के निकाली है, फिर हमने थोड़ी सी पिक्स क्लिक करी, थोड़ी सी वीडियोस बनाई, सबसे मिले जो हमारे रिलेटिव्स थे, सबसे बातें करी। क्या खा रहे हो आप? ये मेज का क्या नाम है इसका? पोटली रगड़ा चाट। ओके ओके, टेस्टी है क्या? यहाँ का क्या नहीं स्वाद, मैं आती इसलिए हूँ। खाने आते हो महाराष्ट्र? खाने आते हो आपसे मैंने हर खाना दो ही तो काम है मेरे। अच्छा, मैं कौन? जिगरी। एंड में हमने ब्राइड और ग्रूम के साथ पिक्स क्लिक कराई क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, इसके बिना लगता नहीं कि आप शादी में आए हो। तो आज का ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू